अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में निर्णायक सुनवाई शुरू होने से पहले ही विश्व हिंदू परिषद ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। आज बीएचपी की अहम बैठक में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। संतों ने केंद्र सरकार से कानून बनाकर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने को कहा। संतों की बैठक में यह तय हुआ कि अनिश्चित काल के लिए कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में 29 अक्टूबर से अयोध्या मामले पर सुनवाई शुरू होने वाली है। यही निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपति से कहा जाए कि वो सुप्रीम कोर्ट को कहे सुनवाई जल्दी जल्दी करे और प्रधानमंत्री से उनकी मनसा जानी जाए कि आप राम मंदिर के संबंध सोच क्या रहे हैं। पूर्ण दबाव डालेंगे और अपना अधिकार लेकर रहेंगे, भीख नहीं मांगेंगे। ये निर्णय हुआ है कि भाजपा कानून बनाकर मंदिर का निर्माण करे, संसद में विधेयक लाए, ये संतों ने निर्णय लिया। प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिलेगा, अयोध्या जाने के लिए निमंत्रण देगा। अयोध्या में आकर के प्रधानमंत्री जी सबको बतावें वो क्या करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले संतों के इस रुख को सरकार के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। बीजेपी ने कहा वो राम मंदिर के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध है। तो हमारा वचन है, हमारी सरकार इस पर कदम जल्दी नहीं उठाए तो सरकार को बताना चाहिए। नेचुरली अब 4-5 साल पूरा होने वाला है 7 महीने में, तो बीएचपी सब को देखना होगा कि भाई ब्यूरो में क्या है। इस बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अयोध्या में राम मंदिर की ईंट रखने का ऐलान किया। शिवसेना ने कहा अयोध्या में राम मंदिर बनवाना केंद्र और यूपी सरकार की जिम्मेदारी है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा केंद्र सरकार राम मंदिर के लिए अध्यादेश लेकर आए। राम मंदिर निर्माण न्यास के अध्यक्ष जो है प्रमुख मंजी, वो आए थे उद्धव ठाकरे साहब को मुंबई में मिले हैं और उन्हें शिवसेना को निमंत्रण दिया है अयोध्या में आने के लिए। तो दीपावली के बाद शिवसेना पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी और हम सब लोग पूरे देश लाखों शिवसैनिक अयोध्या में जाएंगे, राम मंदिर निर्माण का कार्य हम शुरू करेंगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े प्रवीण तोगड़िया ने भी 21 अक्टूबर को अयोध्या कूच का ऐलान किया है। इसीलिए बहस के शो बताना तो पड़ेगा मैं आज हमारा सवाल, क्या संत ही तय करेंगे राम मंदिर निर्माण की तारीख? क्या राम मंदिर के लिए अध्यादेश लाएगी मोदी सरकार और कैसे पूरा होगा अयोध्या में राम मंदिर का ये सपना? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, हम आपको पहले मेहमानों से मिलवा देते हैं। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर प्रेम शुक्ला जी हैं, बीजेपी से बहुत बहुत स्वागत सर इस डिबेट में आने के लिए। रामविलास वेदांती साहब हमारे साथ खुद मौजूद हैं आज राम जन्मभूमि न्यास से, बहुत बहुत स्वागत सर। बाबूराव माने हमारे साथ हैं, लीडर हैं शिवसेना के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ रविदास भैरोत्रा हमारे साथ नहीं है, वसीम रिजवी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं सिया बोर्ड के। अंसार रजा हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। डॉक्टर फहीम बेग इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ गए हैं और संगीत रागी जी भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। सबसे पहले क्योंकि बहस की शुरुआत ही आज यही है कि क्या संत ही तारीख बताएंगे, राम मंदिर वही बनेगा लेकिन संत ही क्या राम मंदिर की तारीख भी तय करेंगे, इसलिए मैं सबसे पहले वेदांती जी के पास आना चाहूंगी। वेदांती जी बहुत बहुत स्वागत डिबेट में, और पहले मुझे बताइए सर आज बैठक में हुआ क्या, क्या डिसाइड हुआ है, क्या तारीख भी आप ही लोग तय करेंगे? बैठक में हमारे देश के सभी पूज्य उच्चाधिकार समिति के संत लोग विराजमान थे। पूज्य नित्य गोपाल दास की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ और संतों ने निर्णय लिया कि भाजपा को चाहिए कि संसद में दोनों सदनों की बैठक को बुलाए। राज्यसभा में बहुमत नहीं है लेकिन लोकसभा में पूर्ण बहुमत है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त सेशन की बैठक होने के बाद भाजपा मतदान करा दे और मतदान में भाजपा को विजय मिलेगी और मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। देश की जनता जानना चाहती है कि भाजपा ने साधु संतों को सड़कों पर उतारा। सन 84 से लेकर अब तक साधु महात्माओं ने अपने मठ मंदिरों को छोड़ दिया, त्याग तपस्या को छोड़ दिया और भाजपा को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाकर भारत के गांव गांव में जाकर के जागृति किया। कांग्रेस को समाप्त करने का संकल्प जो संतों ने लिया था, 20 राज्यों से कांग्रेस समाप्त हो गई। कांग्रेस मुक्त भारत की जो योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया था वो संकल्प पूरा हो गया। अभी तक लोग कहते थे कि भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है इसलिए मंदिर का निर्माण नहीं हो पाएगा। अब भारी बहुमत से भारत के इतिहास में
इतनी बहुमत भाजपा को उत्तर प्रदेश में कभी नहीं मिली थी जितनी बहुमत इस बार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी है। हमको पूर्ण विश्वास है कि मोदी और योगी दोनों मिलकर अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं, देश के संत चाहते हैं, देश के महंत चाहते हैं, देश के जगतगुरु चाहते हैं, देश की राम भक्त जनता चाहती है और संपूर्ण विश्व का हिंदू समाज चाहता है कि जल्दी से जल्दी कानून बनाकर, कई ऐसे मामला आए हैं जिस पर कानून बना है, यदि अन्य मामला पर कानून बन सकता है तो राम जन्म मंदिर पर भी कानून बन सकता है। ठीक है विरांति जी, आपकी बात, आपकी यही बात से मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चली जाती हूं। आपकी इसी बात से मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चली जाती हूं। प्रेम शुक्ला जी सर, बाकी तमाम चीजों पर अध्यादेश लाया जा सकता है, बाकी सारे मुद्दों पर अध्यादेश लाकर कानून बनाया जा सकता है, तो वो मेन मुद्दा जो एक ये कहूं कि एजेंडा था जिस पर आप चुनाव जीत कर आए हैं, क्या उस पर अध्यादेश लाया जाएगा? अंदर खाने की बात बताइएगा, क्योंकि कोर्ट की बैटल तो सब सबको दिख रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदर पूजनीय वेदांति जी यहाँ इस विमर्श में उपस्थित हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन को पूर्णतया अपनी चार सरकारों को राम जन्मभूमि आंदोलन के विरोधी बाबरवादियों द्वारा असंवैधानिक तरीके से बर्खास्त कर दिए जाने के बावजूद यदि कोई राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण की संवैधानिक परिकल्पना के साथ संकल्पबद्ध ढंग से खड़ा है तो पूजनीय वेदांती जी इसको स्वीकारेंगे कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। परमहंस रामचंद्र दास जी की चिता पर जो है, पुण्य चिता पर जो है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। हमारे पास संख्या बल नहीं था, वेदांती जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कानून बनाने की स्थिति में लोकसभा संयुक्त सदन में भी ये स्थिति अभी को प्राप्त हुई है। वेदांती जी चूंकि संसद के अनुभव संपन्न व्यक्तित्व है और पूजनीय संत है, इसलिए मैं उनकी बात को शत प्रतिशत स्वीकारता हूँ। किंतु जैसे अवस्था भारतीय जनता पार्टी को, क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरी राम जन्मभूमि की संवैधानिक और न्यायिक, सांस्कृतिक और हम लोगों के जो है आस्था के बिंदु पर सर्वाधिक संकल्प और त्याग बलिदान अगर किसी ने किया है तो संतों ने किया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने किया है, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया है, कार्यसेवकों ने किया और राजनीतिक रूप से भाजपा ने किया है। तो भाजपा तो चाहती कि वहां जो है उत्तम मंदिर, प्रभु रामचंद्र जी का भव्य दिव्य मंदिर भारत की संस्कृति को तीनों लोकों में आलोकित करे, ऐसे त्रिलोकीनाथ जी का वहां मंदिर बनना चाहिए। लेकिन उसमें बाधा कौन है और उस बाधाओं के दूर होने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी तो सबसे पहले चाहेगी कल वहां मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो और उसके लिए जो संविधान के दायरे में संभव प्रयत्न है उसके समर्थक है और संतों की संवैधानिक मांग और एक संवैधानिक विमर्श जो है इसका स्वागत करती है। ठीक है, बाबूराम माने साहब में आज शिवसेना की तरफ से भी एक नया बयान सामने आया कि भाई अब याचना नहीं अवरण करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से नहीं पूछा था तोड़ने से पहले ढांचे को। सर तो क्या संतों की डेडलाइन बना देगी या फिर आप लोग अपनी तारीख खुद निकाल लेंगे? देखिए, राम जन्मभूमि का जो मंदिर है, राम जी का जो मंदिर है, यह मंदिर हमारे राजनीति का विषय कभी भी नहीं रहा। यह विषय हमारे भावना के बाहर जाकर हमारे श्रद्धा का विषय है, राम मंदिर। और इसके लिए राम मंदिर वहीं पर बनना चाहिए, उसके लिए शिवसेना पार्टी ने समय समय के ऊपर आवाज उठाया है। बाबरी के गिरवाने का, तुड़वाने का जो मुद्दा था जी, उस मुद्दे के ऊपर भी बाबर जी बाहर के थे, वहां उसके पहले राम मंदिर था। इस सारे मुद्दे को लेके शिवसेना पार्टी ने हमेशा संघर्ष किया है और यह हमारा राजनीति का विषय नहीं है। इस विषय के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपनी रोटियां सेकी लेकिन राम मंदिर नहीं बना। अभी देश में राम मंदिर के विषय में अच्छा वातावरण है, कोर्ट का भी अच्छा फैसला आया है, कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने भी समझदारी का कदम उठाया है। अभी राम मंदिर बनने का योग्य समय है, इसी समय, क्योंकि केंद्र में भी, केंद्र के सरकार में भी मेजोरिटी है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। अगर अभी नहीं बनेगा मंदिर तो मंदिर का काम और रखड़ेगा, इसीलिए
ये आज का जो समय है ये योग्य समय है, अभी इसके ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे लोगों का योगदान है, बहुत सारे लोगों ने त्याग किया है और ये समय अभी है कि सरकार ने अध्यादेश लाकर राजनीति कर कौन रहा है, सभी कह रहे हैं। अब तो राजनीति कौन कर रहा है, ये पूरा देश जान रहा है। हम लोग देखो शिवसेना पार्टी हमेशा खुला बोली है। शिवसेना पार्टी ने कभी भी इस मुद्दे का राजनीति नहीं किया है। मंदिर बनना चाहिए, ये शिवसेना को माननीय उद्धव जी ठाकरे को, बाला साहब ठाकरे जी को मन से लगता था कि यहां पर राम मंदिर बनना चाहिए, पहले राम मंदिर था ये लगता। लेकिन शिवसेना पार्टी ने भी कुछ समझदारी ली, सारे अन्य जमात के जो लोग हैं हमारे मुस्लिम भाई है उनके भी दिल की गलतफहमी निकालने का प्रयास शिवसेना पार्टी ने किया, कानूनी तौर पर भी कदम ये उठाया गया और इसके कारण आज ठीक, राम मंदिर वहां बनाने का एक योग्य समय है। चार बार बोल चुके हैं सर, राजनीति नहीं करेंगे। माननीय उद्धव जी ठाकरे सर आने वाले कुछ दिन में अयोध्या भी जाने वाले हैं, वहां उनकी बड़ी रैली भी होने वाली है और राम मंदिर को ठीक है माने साहब एक बड़ा समर्थन देने का काम कैसे बनाएगा सर शिवसेना पार्टी ने किया है और राम कोर्ट के फैसले का इंतजार के पूरे निर्माण बाहर सुलझाया जाएगा या फिर अब इस डेडलाइन पर काम किया जाएगा के पीछे खड़े रहेंगी। हेलो रिजवी साहब, सर आपसे सवाल है मेरा। जी अच्छा देखिए, कोर्ट का फैसला बहुत जल्दी आने वाला है। अगर 29 तारीख से बहस शुरू हो गई तो हम ये समझते हैं कि फैसला बहुत से बहुत 15-20 दिन हेयरिंग का ही ये केस है और इसमें फैसला आ सकता है। हाँ। एक चीज, दूसरी चीज क्या है कि जो आज साधु संतों की जो बैठक हुई है और उन्होंने जो बात रखी है वो उनकी आस्था का मामला है और हर आदमी को अपनी बात रखने का इख्तियार है। उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की है कि भाई इसमें कानून बनना चाहिए। देखिए, सब्र का जो एक प्याला होता है वो छलक इसलिए रहा है क्योंकि कांग्रेस ने इसमें पहल ऐसी कर दी। कांग्रेस ने कोर्ट रूम में यह बात कहकर कि यह मामला 2019 तक टाल दिया जाए, इलेक्शन के बाद इस मामले की सुनवाई की जाए, इससे साफ लोगों को यह जाहिर। मैं अभी अयोध्या गया था, अयोध्या में मैं साधु संतों से मिला, मुझे यह लगा कि अब उनमें एक यह चीज पैदा हो रही है कि विपक्ष हम लोगों को छल रही है। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हम इसमें इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपनी बात को बिल्कुल क्लियर रखा और यह बात कहते हुए कि राम मंदिर के वो पक्ष में है, लेकिन विपक्ष ने कभी भी इस पर अपने कार्ड्स ओपन नहीं किए। अब यहां पर जब साधु संतों को और पूरे हिंदू समाज को यह लगने लगा है कि अब नहीं तो कब, तो फिर इसके लिए ये बातें, बैठकें और ये डिमांड्स, ये भूख हड़ताल या अनशन जो हो रहे हैं, हम ये समझते हैं कि अयोध्या से एक चिंगारी है जो बड़ी से बड़ी बर्बादी हो सकती है हिंदुस्तान के अंदर अगर के मुस्लिम समाज के वो लोग जो बाबरी पक्षकार हैं वो नहीं मानते हैं। अब भी वक्त है, मैंने कहा है, अभी भी वक्त है, बात को समझो और बैठकर एक टेबल के ऊपर फैसला करो। हिंदू का हक हिंदुओं को वापस कर दो और अपने गुनाहों की तौबा करो। ये चीज तुम्हारी नहीं है जिसके लिए तुम लड़ रहे हो। मस्जिद के नीचे कभी मंदिर नहीं हो सकता, नीचे का हिस्सा माना जाएगा, तुमने उस पर मस्जिद जबरदस्ती बनाई है और अब उसकी लड़ाई लड़ रहे हो। ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। बात को समझो, अपनी गलतियों को समझो और एक टेबल पे बैठकर हिंदुस्तान के भविष्य के लिए फैसला करो। मुसलमानों हिंदुओं के आपसी समझौते का ये मैसेज जो हिंदुस्तान से जाएगा पूरी दुनिया में जाएगा, लेकिन अभी भी वक्त है, समझौता कभी भी हो सकता है, आखिरी वक्त तक समझौता हो सकता है। हम निराश नहीं है कि अभी भी समझौते के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। अल्लाह हो सकता है कि इनके जहनों में डाले, पूरे पैनल अल्लाह हो सकता है इनके जहनों में डाले कि ये समझौते की बात को स्वीकार करें और बात करने के तैयार हो। हम सब साथ हैं, आप सब साथ हैं। मतलब देखिए, अब रास्ता जो है वो आखिरी बचा है, वो सर्वोच्च न्यायालय है। अब ये सब बातें बेमानी हैं, वसीम साहब कहें या वेदांति साहब कहें या शुक्ला जी कहें या फिर वो शिवसेना वाले कहें। अब जो फैसला 29 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, अब देखना ये है कि उसमें सर्वोच्च न्यायालय सबूतों के आधार पर और एविडेंसेस जो हैं या जिस तरह से भी जो सभी जो पक्षकार हैं अपने सबूत रखेंगे या अपने जो भी एविडेंस रखेंगे उसके आधार पर जो फैसला लिया जाएगा वो सर्वमान्य होगा। और ये बातें तमाम पक्षकारों ने और उनके बाहर भी जो लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उन्होंने भी इसका मन बना रखा है।
और अब इस बात पर सियासत करना, इस बात पर ये संत समाज का जो ये एग्रेशन देखने को मिल रहा है, एक शिकायत मेरी है। 2014 में जब सरकार बन गई भाजपा की, 283 सीट वाली बहुमत वाली सरकार बन गई, 22 राज्यों में काबिज हो गए, उसके अलावा भी और राज्यों में जो है बहुमत है, तब ये लोग कहां थे? 2014 में ये सोते रहे, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, जब 19 करीब आने लगा तो अब संत महाराज जो है अब दिल्ली में डेरा डालकर राष्ट्रपति से मिलने आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है क्या राजनीति के प्यादे बनकर ये लोग निकल कर आए हैं? इनको अगर मंदिर से लगाव था या उस वचन को, उस रण को इनको पूरा करना था तो 2014, 15, 16, 17, 18 में खामोश रहे, अब 19 के आते ही नींद टूटी है। ये मेरी एक शिकायत है, ये इशारा करती है कि सीधे तौर पर भाजपा को दोबारा हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बनाने का मौका देने के लिए संत समाज और शिवसेना और सो कॉल्ड जितने भी ये पार्टियां हैं ये साथ आ रही हैं। और वसीम रिजवी साहब जो बोल रहे हैं वही समझूं, राजनीति समझूं, सांप्रदायिक सौहार्द चाहता है, सांप्रदायिक सद्भावना चाहता है, संत समाज चाहता है हिंदू समाज और मुस्लिम दोनों मिल करके सांप्रदायिक सद्भावना के लिए। 14, 15, 16, 17 में आप कहां थे सर? भव्य रामलला के वेदांती महाराज जी, आपने इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सांप्रदायिक सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए दोनों लोग आपस में मिल करके अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण हो। और इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का, विदेश का मुसलमान चाहता है भारत में सांप्रदायिक सद्भावना बने। कुछ आतंकवादी ऐसे लोग हैं पाकिस्तानी समर्थक आतंकवादियों के चंगुल में आकर हिंदू मुस्लिम की एकता को भारत में नहीं देखना चाहते हैं। कपिल सिब्बल जैसे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त देकर राम जन्मभूमि के मुकदमा को टालने का खूब प्रयास किया था। जी जी सर, अब मैं एक मिनट रागी जी के पास आ रही हूं। सर मैं वापस आ रही हूं सर, आपके पास वापस आ रही हूं। ये फहीम बेग साहब जो बोल रहे हैं, सेना के हमारे जो प्रवक्ता बैठे हैं, ये जो बोल रहे हैं, इस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ। अयोध्या में रामलला का मंदिर बने, अयोध्या से बाहर कहीं मस्जिद बने, हमको कोई आपत्ति नहीं है। चुनाव नजदीक है, अंतरराष्ट्रीय से रिलेटेड है सिर्फ इसलिए, या फिर हिंदुओं की आस्था की प्रतिबद्धता भी समझू? देखिए अब तो हर कोई पूछ रहा है, तारीख बता दीजिए। देखिए एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को मंदिर नहीं बनाना था, मंदिर संतों को बनाना था। विश्व हिंदू परिषद उसके लिए साथ खड़ी थी। संतों के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण का काम शुरू किया था। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी जो मामला, संत लोग अधीर क्यों हो रहे हैं? आप देखिए कि अप्रैल से उनको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट प्रतिदिन सुनवाई करके इस मामले को जल्दी से जल्द निश्चित करेगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कांग्रेस पार्टी अपने वकीलों के थ्रू ये कहलवाती है कि आप 2019 तक आप इस पर नहीं करें तो ज्यादा अच्छा होगा। यही नहीं करते, यहां तक चीफ जस्टिस को, उस बेंच को धमकाती भी है कांग्रेस पार्टी। नतीजा ये निकलता है कि उस पर सुनवाई होते होते और मामला इस स्तर तक आ जाता है कि वो सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में जाकर के उस पर ये सुनवाई होती है। उसमें ये मामला लगाया गया कि आप 1994 के जो ये मस्जिद जो है इस्लाम के लिए अति आवश्यक है या नहीं है, इंटीग्रल हिस्सा है या नहीं है, इस पर आप चुके। ये कवायद की ही क्यों गई थी? इस कवायद के पीछे साफ राजनीति थी, क्योंकि मुस्लिम पक्षकार चाहते हैं। नहीं, मुझे 10 सेकंड दीजिए। सबको आपने सुना है सर, आपको मुझे अभी अंसार रजा को भी सुनना है ना सर? बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष चाहता था कि ये मामला वाकई लटके। कांग्रेस भी उसमें 7 इंच थी और उनको अब लगने लगा है कि राम मंदिर के नजदीक के बनने की स्थिति में आ गई है, तो आज वो जाकर के वो विरोध इसलिए, पर कल तक वो बार बार कहते थे आप मंदिर की डेट कब बताएंगे। अब संत समाज ने दबाव बनाया है क्योंकि उनका उनकी एक अधीरता है, उनको ऐसा लगता है, ऐसा डर है, उसके कारण भी है। हम स्टैटिस्टिक्स में पैटर्न को देख करके तय करते हैं कि आने वाला प्रोबेबिलिटी क्या परिणाम है। ठीक है, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं बनाना था, ऐसा नहीं है सर। घोषणा पत्र में लिखा था भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा नहीं। संतों को बनाना था तो संत ही अपना सब्र थोड़ी खोएंगे। संत की नीयत है, नीयत तो नीति तो सरकार बनाएगी ना। एक मिनट, ठीक है सर, आ रही हूँ, मुझे ब्रेक लेना है, मुझे अंसार रजा के पास जाना है। अंसार रजा एक बात बताइए सर,
ये जमीन की मालिकाना हक की लड़ाई थी। अभी जमीन के मालिकाना हक के साथ साथ ये आपके लिए जमीन की मालिकाना हक की लड़ाई हो सकती है मुस्लिम पक्ष के लिए, लेकिन आपको ये तो पता है ना सर कि वहां हिंदुओं के आस्था और सम्मान से बातें जुड़ी हैं, तो क्या फिर साथ नहीं आ जाना चाहिए? और अब तो जब ये भी साफ हो गया है कि इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है कि मस्जिद में ही आप नमाज पढ़ें। देखिए मैं एक बात आपसे अर्ज करूं कि ये जो आज मीटिंग हुई है, आरएसएस ने ये मीटिंग इसलिए की है कि आरएसएस सर ये वीएचपी ने की सर मुझे मैम मुझे मालूम ही आरएसएस की मैनेज की हुई मीटिंग है, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। अच्छा सर आप तो सारे अंदर खाने की खबरें, बिल्कुल अंदर खाने की खबर ही दे रहे हो। अब सुन लीजिए, ये आपके नहीं पहुंच पाए, लेकिन हमारे सोर्सेज पहुंच गए कि वहां बाइट आ गई है कि आरएसएस ने मैनेज की थी। अब सुन लीजिए मेरी बात को, जो मीटिंग मैनेज की गई थी, क्यों माहौल बनाया गया है, ये इसलिए माहौल बनाया गया है, ये माहौल बनाया गया है। संत लोग बैठे हुए थे मंदिर निर्माण के लिए जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल मंदिर निर्माण के लिए सर, सर बिल्कुल मंदिर निर्माण के लिए, इसलिए कि अभी आरएसएस ने जो तीन दिवसीय प्रोग्राम किया था उसमें कांग्रेस की बड़ी तारीफ कर ली थी और मुसलमानों के करीब बहुत ज्यादा पहुंचने की कोशिश की थी आरएसएस ने। अब उस माहौल में कैसे हिंदू हिंदू लोगों को साधा जाए, कैसे उनके दिमाग में ये बिठाया जाए कि हम कांग्रेस और मुसलमानों के हमदर्द नहीं है तो हम तुम्हारे, लेकिन वो चूंकि एक मौका था हमारे बोलने का तो उसको क्लियर करने के लिए आज सारे संतों का एकदम आपा खो बैठा। मैं एक बात जानना चाहता हूं, मंदिर वेदांति महाराज बहुत दानिश्वर आदमी है, वो एक मिनट एमपी भी रह चुके हैं और एक जमाने से वो लगे हुए हैं, यही वेदांति महाराज हैं जिन्होंने कहा था कि हिंदू महासभा 1400 करोड़ रुपया डकार गई है मंदिर नाम के, सामने बैठे हैं ये। अब मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आज मुद्दा आया ये क्यों आया सर, एक मिनट ये क्यों आया, ये इसलिए आया है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, महंगाई से त्रस्त आ चुके हैं, सरकार है पैसे वापस लेना पड़े हैं, कुछ समझ लिया है, हम तय नहीं करेंगे, ये कोर्ट तय करेगा, कोर्ट तय करेगा, यानी कि हम तय नहीं करेंगे, वो जो लगातार कोर्ट के अपना ये कहना था ना कि हम सब साथ हैं, आप तारीख तो बता दीजिए, आप ही रखना तारीख कोई बता दे, ठीक है ठीक है। रागी जी ये मुझे पता नहीं था कि आरएसएस ने मीटिंग तय की है, प्लीज इसे क्लियर करिए, फिर मुझे ब्रेक लेना है जल्दी सर, 30 सेकंड। ये कांग्रेस भी अंसार रजा कर रहे हैं वो सरासर गलत है, ये सर भ्रामक है और बहुत ही बेतुका है, इसमें कोई तर्क हमको तर्क भी नहीं दिखता है। संत समाज ने संत समाज का संत समाज आपके पास सर आपके पास निर्णय ये का मामला कहां से आ गया मुझे समझ में नहीं आता है। और दूसरी बात ये अंसार रजा जी डॉलर पर बात करेंगे, अरे सब चीज पे बात कर लीजिएगा, राम मंदिर का मुद्दा जो है इन सबसे परे है, प्राइम मिनिस्टर बात करने को तैयार नहीं है, बात करें राम मंदिर पे, आप चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, आरएसएस ने कितने बार मीटिंग की राम मंदिर पे, अरे बहुत बार मीटिंग की है, कितने बार सर, आप हम नतीजा क्या निकाला आप लोगों ने, आप हमसे यही बता दीजिए ना, आप दावा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं वहां पे, बाबर के साथ कैसे पूरा होगा अयोध्या में राम मंदिर का सपना।